Hey Chana, welcome to my guys. दोस्तों ये है Realme 10 Pro। ये बैक साइड से देखने पे बिल्कुल Realme 10 Pro Plus की तरह ही नजर आता है। 10 Pro Plus की वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसकी डिस्प्ले में मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आई हैं और अगर आप चाहें तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। Realme ने 10 सीरीज में मेन हाइप इसकी डिस्प्ले की बना रखी है, तो आइए देखते हैं कि इसकी डिस्प्ले कितनी प्रैक्टिकल है और 18,000 के प्राइस को ये फोन कितना जस्टिफाई करता है। इसका बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें एक सेक्शन मिलता है जिसमें हमें सिम इजेक्टर पिन, डॉक्यूमेंटेशन और टीपीयू केस मिल जाता है। उसी के नीचे यहाँ पर हमारा फ़ोन मिल जाता है और फिर उसके नीचे एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर और यूएसबी टाइप सी डेटा केबल है। तो चलिए रखते हैं सारी चीज़ें साइड में और बात करते हैं इसके लुक्स और फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसका डिज़ाइन मैंने पहले ही आपको बताया कि Realme 10 Pro Plus की तरह ही लगता है और इसमें भी बैक साइड में प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इसके फ्लैट फ्रेम होने की वजह से इन हैंड फील थोड़ा सा बॉक्सी लगता है, मगर इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पोर्ट्स और बटन की बात की जाए तो इसमें जरूरत के सभी तरीके के पोर्ट्स और बटन मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर ऑन ऑफ बटन पर ही मिलता है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है जिसमें एक सिम एक मेमोरी या फिर दो सिम का यूज कर पाएंगे। ये फोन अगर आप सामने से देखते हैं तो इसमें आपको साइड और टॉप के बेजल बिल्कुल ना के बराबर नजर आएंगे। 20,000 के बजट में ये पहला फ़ोन है जिसमें आपको इतने कम बेजल देखने को मिलेंगे। इस बार Realme ने सारा फोकस डिस्प्ले पर ही किया हुआ है। अच्छा इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है। ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है। इसमें आपको 600 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है। अगर इसमें POLED या AMOLED डिस्प्ले मिल जाती तो इसकी क्वालिटी और भी बढ़ सकती थी। ऐसा नहीं है कि 20,000 के बजट में POLED या AMOLED डिस्प्ले मिलती नहीं है। पोको, MI, मोटरोला जैसी कंपनी POLED या AMOLED डिस्प्ले दे भी रही हैं। इसमें आपको क्वेलकम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट मिलता है। ये वही चिपसेट है जो आपको पोको X4 Pro और OnePlus Nord CE2 Lite में भी मिल जाता है। इसमें LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। इसमें एक वेरियंट है 6GB 128GB और दूसरा वेरियंट है 8GB 128GB। एक का प्राइस है 17,999 और दूसरे का प्राइस है 19,999। इसकी प्राइस Realme ने इतनी अग्रेसिव नहीं रखी हुई है। अगर इसकी शुरुआत 16,000 से होती तो ये फ़ोन मार्केट में तबाही मचा सकता था। इसके बैक साइड में Realme ने डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। कैमरे के मामले में Realme ने कंजूसी की है, एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड सेंसर तो दे ही सकते थे। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अगर आप इस फ़ोन का कैमरा कंपैरिजन Realme 10 Pro Plus से चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। ये 33 वॉट फास्ट चार्जर से लगभग एक घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। हैवी यूज़ पर भी ये बैटरी दिन भर बड़े ही आराम से चल जाती है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 और Realme UI 4 मिल रहा है। इसकी UI में मुझे कमी लगी कि इसमें एड्स और ब्लॉटवेयर भर भर के दिए गए हैं। इसमें आपको हर जगह ऐड ही ऐड नज़र आएंगे। आई होप Realme इसको अपडेट से जल्दी फिक्स कर दे। इस फ़ोन का वेट है 192 ग्राम और इसमें आपको सभी तरीके के सेंसर भी मिल जाते हैं और ये 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। इस फ़ोन के बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो इसकी डिस्प्ले ओके है, कुछ इतनी ख़ास नहीं है। कैमरा इसका ठीक ठाक ही है, अगर अल्ट्रा वाइड मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। प्रोसेसर की बात करें तो यही प्रोसेसर आपको अदर ब्रांड में एक अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाता है। इस फ़ोन के कंपटीशन में मार्केट में पहले से ही काफ़ी अच्छे फ़ोन अवेलेबल हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस प्राइस में ये फ़ोन कहाँ पे स्टैंड करेगा। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार टेक की वीडियोज़ पाने के लिए।